रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन। मैं हाज़िर हूँ। आज हम बना रहे हैं कोकोनट बर्फ़ी, जो बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, कोकोनट चाहिए हमें 2 कप भर के, 1 कप हमें चीनी चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें देसी घी चाहिए या कोई सा भी घी हो आपके पास वो चाहिए, लेकिन घी होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए। 1 कप हमें दूध चाहिए और हमें ग्रीन और पिंक फूड कलर चाहिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। हाँ, कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, इसको गरम करेंगे। जैसे ही गरम होगी, हमारा जो ये कोकोनट है ये डाल देंगे इसमें। आँच स्लो कर लेंगे, बिल्कुल हल्की आँच पे हम ये बनाएंगे, तेज़ आँच पे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल हल्की स्लो होनी चाहिए। इसके बाद हमने इस खोपरे को इतना हमने इसको भूनना है कि इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है, जो हम बचपन में भी खाते थे उस तरह की ये बर्फ़ी तैयार होगी। और तकरीबन 10 मिनट में ये रेडी भी हो जाती है। बस 10 सेकंड मैंने इसको चलाया है चमचा, इसमें से एक खोपरे की जो स्मेल, खुशबू आती है बहुत अच्छी सी, वो खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम डालेंगे दूध, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे पहले इसको अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद और डालेंगे, ये जो खोपरे का है, ये पिसा हुआ खोपरा है ये, आप इसको साबुत भी ले सकते हैं। साबुत लेके आप इसको कद्दूकश करके भी बना सकते हैं, साबुत खोपरे का भी ये बन जाता है। जब तक ये दूध में, खोपरे में से दूध बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। बस हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, फिर ये हमारा जो बर्फ़ी है अच्छी नहीं बनेगी। बस हमने इसको धीमी आँच पे, बहुत ही स्लो आँच है उस पे, हमने उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक ये देखें इसमें से दूध गायब ना हो जाए। 5 मिनट तक हम इसको पकाते हैं। तो हमारा दूध है, खोपरा बिल्कुल पी गया है, देख लें आप, बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हमने इसमें जो 1 कप चीनी रखी थी ये डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आप मीठा खाना चाहते हैं। अब ये चीनी भी पानी छोड़ेगी, इसको हम चमचा चलाते रहेंगे जब तक ये चीनी हमारी पानी छोड़ेगी, हम उस वक्त तक इसको पकाएंगे। देखिए बस हमारी जो चीनी है बिल्कुल से घुल गई है, कोई दाना नहीं है चीनी का इसके अंदर, बिल्कुल चीनी ख़त्म हो गई है। और इस स्टेज पे हमने अब चूल्हा बंद करना है और इसको साइड पे करना है। देखिए बस हमने 2 पार्टों में इसको अलग अलग प्लेटों में निकाल लिया है, बिल्कुल हाफ, आधा इसमें कर लिया मैंने, आधा इसमें कर लिया। अब मैं ये ग्रीन फूड कलर है, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 बूंद इसमें डालेंगे हम। इसको पहले मिक्स करेंगे, लेकिन वह हमने ग्रीन कलर इसमें डाल दिया है, इसमें हम थोड़ा सा पिंक कलर डालेंगे। इसको भी इसी तरह अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बस मैंने दोनों फूड कलर मिला के अच्छे से मिक्स कर लिया है खोपरे को। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, पहले ग्रीन वाला ले लेते हैं, इसको अच्छे से सेट करेंगे।
ये देखें व्यूवर्स, तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं। हमने 6 घंटे बाद नीचे फ्रिज में ये अपनी बर्फ़ी जमाने रख दी थी और ये सेट हो गई है। अब हम इसको निकालेंगे आराम से, बस इसी में हम काट लेते हैं इसको। जिस चाहे शेप में आप लोग काट सकते हैं, इस तरह चुकुर चुकुर कर रही हूँ। ये देखें बस इस तरह काटने के बाद इसको आराम से, जब हम एक हिस्सा हम इसका निकाल लेंगे तो ये फिर अपने आप ही फिर निकल आएगी आराम से। बस हमने अपनी जो बर्फ़ी है वो डिश आउट कर ली है स्क्वायर में मैंने काट के। इसको इस तरह आधी हमारी ग्रीन में है और आधी हमारी पिंक में है जो हमने कलर में डाल के बनाई थी। याद होगा आपको, हम बचपन में ये लेके खाते थे और जो 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 अपने बचपन में ये खाता था मुझे कमेंट्स में करके ज़रूर बताए कि कौन खाता था कौन नहीं खाता था। और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।